हेलो गाइस, कैसे हो यार तुम लोग। और आज यार हम करने वाले हैं एक ओवरवॉच वीडियो। हाँ यार, आज हम बैन करेंगे कुछ लोगों को CS:GO में से। तो यार देखते हैं कि वीडियो कैसा जाता है। और यार मेरा एविडेंस हो चुका है डाउनलोड और हम रिव्यू करेंगे। ओके सो यार, हमारा मैप जो लगा है वो है ट्रेन। तो यार ट्रेन विंगमैन लगा है, तो हमें पता है कि विंगमैन में यार बहुत ज़्यादा हैकर्स होते हैं। तो विंगमैन में एक्चुअली ना ब्लंटली इसलिए हैक करते हैं क्योंकि विंगमैन के ज़्यादा केसेस ओवरवॉच में नहीं जाते। तो देखते हैं। और स्टार्टिंग में ही हमारे पास बी हॉप स्क्रिप्ट्स हैं। ओके, तो शायद आज मैं लकी और मेरे को ऐसे केसेस मिल रहे हैं। तो ये बंदे के पास, भाई ये बंदा गधा है, इसके पास ऑफ है और ये फिर भी ड्यूली से फाइट दे रहा है क्योंकि ये अपने हैक्स पे ज़्यादा बिलीव कर रहा है आई गेस, और अपनी गेम या अपनी गन पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा। क्योंकि जब बंदा हैक्स में ज़्यादा बिलीव करता है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। और हेडशॉट, ओके, और ये बंदा मरेगा। ओके सो उन लोगों ने बहुत अच्छा खेला है इसके अगेंस्ट। के पास डेफिनेटली अभी तक वॉल्स हैं क्योंकि ये बंदा उसको ट्रेस कर रहा था। और एम अभी तक मुझे लग रहा है कि है क्योंकि इसने हेडशॉट दिया, बट वो लकी शॉट भी हो सकता है। ओके, एम भी है और बी हॉप स्क्रिप्ट हमें बताइए। स्पैम हेड पे देख रहा है, ट्रेस कर रहा है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली यार इसके पास वॉल्स हैं, इसके पास एम है और इसके पास बी हॉप स्क्रिप्ट है। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं यार जिसके लिए हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। देखो, तुम देख सकते हो कि वो हेडशॉट दे रहे हैं। और यार हैकर्स का जब उनको हेडशॉट चाहिए होते हैं तो उनका सबसे बेस्ट वेपन भाई स्काउट होती है, AKA SSG। तो अब देखते हैं यार कि वो क्या कर रहा है। और अभी भी ये गलत कर रहा है, बट ये SSG से हेडशॉट देके मार सकता था। बट वही है कि यार हैक्स में जब ज़्यादा बिलीव करो या तुम्हें मतलब दिखाना हो कि यार मैं हैकर नहीं हूँ तो लोग ऐसा करते हैं। और बंदा ट्रेस करके मारेगा ये डेफिनेट, और बंदा ट्रेस कर चुका है ये, उसको ऑस्ट्रिच को ट्रेस कर चुका है और ऑस्ट्रिच अभी वहाँ पे खड़ा हुआ है, बाहर निकलेगा हेडशॉट। और अल्फा भी ट्रेस्ड है और अल्फा को भी सीधा हेडशॉट। तुम देख रहे हो जब वो ये ना क्या होता है कि तुम लोग जब भी एम देखते हो ना तो एम में ना उनका पहले एम होता है चेस की तरफ, और वो चेस से सीधा जैसे ही वो उनके हेड पे आता है वो सीधा हेड पे एकदम स्ट्राइक करता है। तो ये एम लॉक को पता करने का बहुत ज़्यादा तरीका, मतलब एक अच्छा तरीका है। और यार अब तो एक्सपीरियंस हो गया, मतलब मैं मोर देन 130 केसेस को रिव्यू कर चुका हूँ ओवरवॉच पे। तो तुम्हें थोड़ा बहुत केसेस देख देख के पता लगता है कि लोग किस टाइप के हैक करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम सीखते हो ओवरवॉच से। और ओवरवॉच मेरे हिसाब से यार तुम्हें गेम से ज़्यादा सिखाता है, क्योंकि ओवरवॉच में ना अगर कोई अच्छा बंदा आया हो ना, जैसे कि मैं अभी कल एक रिव्यू देख रहा था तो उस बंदे ने मतलब बहुत ही अच्छे से खेला वो बंदा, उसका गेम सेंस बहुत अच्छा था, तो तुम सीख सकते हो उससे। और साइक्लोन मर चुका है, अपने पास 1v1 सिचुएशन है, उसके पास डीगल है। अगर अल्फ़ा इसको मार जाता है तो अल्फ़ा के लिए भाई तालियां, क्योंकि मार दिया। और हैकर यार जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने ऐसा बंदा हो जो वॉलिंग कर रहा है, जो भाई एम कर रहा है, जो बी हॉप्स कर रहा है, अगर वो तुम उसको फिर भी मार जाते हो बहुत बढ़िया। और ये डेफिनेटली अच्छी, मतलब इसको पता है। और वो बंदे को पहला वाला बंदा तो भाई ऐसे फालतू में मरा। तो यार डेफिनेटली हमें पता है कि एम कर रहा है, तो एम तो है ही है। साथ में हमें पता है कि विजन असिस्टेंस उसके पास डेफिनेटली था क्योंकि वो उसको ट्रेस कर रहा था, बंदों को, उनके हेड को ट्रेस कर रहा था, हेड पे मारने की कोशिश कर रहा था। तो वो ट्रेस करना तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास विजन असिस्टेंस हो। और उसके पास बी हॉप स्क्रिप्ट थी तो हमें पता है हम उसको यार एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करेंगे एक्सटर्नल असिस्टेंस को। और यार ब्रीफिंग का मेरे को कुछ भी सर्टन नहीं है क्योंकि उसने अपने आप को मारने की कोशिश नहीं की, उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं की। तो यार ब्रीफिंग के लिए मैं उसको रिपोर्ट नहीं करूँगा और मैं अपना वर्डिक्ट सबमिट करूँगा और चलूँगा यार नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो रिव्यू हो चुका है डाउनलोड, तो लगा है मिराज कॉम्पिटेटिव। तो अभी क्या लगता है यार कि तुम्हें इसमें हैकर होगा? अगर होगा तो किस टाइप का होगा? क्या हमें स्पिन बॉट देखने को मिलेगा? क्या हमें इसमें कोई ऐसा हैकर मिलेगा जो कोई नई चीज़ कर रहा हो? तो देखते हैं यार। और सिटी साइड में
जीत रहे हैं लोग, 9-0 से जीत रहे हैं। तो हमारा सस्पेक्ट जो है वो 71% हिट शॉट पे है, 7 किल्स कर चुका है, 3 उसके असिस्ट हैं, 2 डेथ्स हैं, KD 3.5 चल रहा है और यहाँ पे ये AFK हुए हैं क्योंकि भाई इनको AFK होने के बाद ये टॉगल ऑन ऑफ करते हैं। तो अभी शायद इसने टॉगल ऑन किया हो या ऑफ किया हो, किसी को नहीं पता, बट AFK तभी इसी रीज़न से जाते हैं लोग। और अभी तक कुछ ओके, सो उसका एम स्लाइटली उसकी तरफ मूव किया बंदे की तरफ, बट बाकी मैं इतना भी श्योरिटी से नहीं बोलूँगा। और ओके ओके ये मरेगा यहाँ पे, बट मेरे को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा शक, थोड़ा सा ना, बिल्कुल ऐसे इतना सा स्लाइटली सा कि ना उस बंदे ने मतलब एम उसकी तरफ लाया। और अभी भैया AFK है तो AFK होने का सिर्फ एक मतलब है और कुछ मतलब नहीं है कि यार तुम टॉगल ऑन ऑफ कर रहे हो। तो अभी क्या पता इसने टॉगल ऑन किया हो, और देखते हैं यार कि अगर हेडशॉट लगे एक के बाद एक बैक टू बैक तो हमें पता लगेगा पैटर्न डेफिनेटली। 2 हेडशॉट 2 बारी में, और वो चेस्ट वही वाला कॉन्सेप्ट कि चेस्ट पे रखा था और सीधा हिट पे लगा एम। और प्लांटर ये बंदा गधा है लिटरली, इस बंदे को पता है इसके पास एम हैक है और उसके बाद भी स्प्रे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है क्यों। तो भैया आप पागल हो, और इसने चारों हेडशॉट दे रखे हैं तो पांचवां भी मेरे ख्याल से हेडशॉट लगेगा क्योंकि टॉगल ऑन है। और तो डेफिनेटली यार हमें पता लग गया है कि यार यहाँ पे एम चल रहा है, एम हैक चल रहा है, एम हैक क्या वॉल हैक भी चल रहा है, क्योंकि उस बंदे को पता है कि वो वहाँ पे प्लांट कर रहा है तो मैं उसको वहाँ पे जाके मारूंगा। तो अभी तक वॉल हैक का पर मेरे पास इतना कुछ प्रूफ नहीं है मेरे पास कोई भी, बट हाँ मेरे पास एम का डेफिनेटली प्रूफ है। और मैं अभी देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ और कि क्या मतलब आगे होता है इस गेम में। और अपने सस्पेक्ट के पास अभी ऑप है और देखते हैं कि मतलब क्या बंदों को मार पाता है कि या नहीं, और क्या हमें और कुछ पैटर्न दिखता है इसकी गेम में। और यार लिटरली हमारे हैकर्स भी लैग होते हैं इस गेम में, तो इससे पता लगता है कि ये गेम कितना ग्लिची है, और बहुत ही ज़्यादा ग्लिची है यार गेम, ये बहुत ज़्यादा ग्लिची है क्योंकि बंदा यार हैकर को भी लैग हो रहा है भाई। तो डेफिनेटली अभी देखेंगे कुछ ना कुछ तो करेगा ये, मतलब ऐसा कुछ अजीब सा करेगा जिससे मतलब ये हमारी नज़रों में आए, और क्योंकि पता लग गया उसको कि वहाँ पे बी पे नहीं है क्योंकि वॉल्स कर रहा है ना, तो या फिर उसका एक बंदा मर गया और उसने कॉल दे दी उसको कि हाँ यार सब यहाँ पे। तो ओके सो अब मुझे लग रहा है कि स्पैम गेम स्टार्ट हो गया हो। ओके हेडशॉट स्पैम, और इसने अभी क्या किया, लाइनअप में थे वो लोग तो उसने पीछे वाले को भी टैग दिया ताकि वो उसको 2 शॉट ना मारने पड़े। और हेडशॉट, जो बंदा है उसके सामने है वो हेडशॉट से मरेगा हमेशा। और ये डोंकी भी हेडशॉट से मरता अगर ये मूवमेंट अपनी ख़राब नहीं करता। तुम देख रहे हो वो बार बार ऊपर नीचे कर रहा था, तो क्या कर रहा है वो चेस्ट पे पहले एम करते हैं ताकि वो हेड पे डायरेक्टली एम लेके जाएं, तो वो एम लॉक का पैटर्न होता है जिससे कि हमें पता लगता है कि वो ऊपर नीचे कर रहे हैं। और यार ये ब्लंटली कर रहा है, मतलब बॉलिंग डेफिनेटली है इसके पास, क्योंकि जो इसने अभी मतलब स्पैम शॉट्स दिए, कोई भी बंदा अगर स्पैम शॉट देता है, अगर एक बारी बंदा वहाँ पे एक साइड पे दे देता है स्पैम शॉट और उसने एक बंदा मार दिया तो वो दूसरे बारी क्यों मारेगा वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब है केस। और इन लोगों के पास एक गेगन है, अब मैं इंटरेस्टेड इसमें हूँ कि यार क्या अपना आकर गेगन पकड़ेगा और गेगन पकड़ के भाई क्या करेगा। डेफिनेटली पता है इसको कि बंदा है यार। ये फिर इसके साथ वही हुआ कि इसने मूवमेंट अपनी की तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ऑफ से ना। ऑफ का क्या होता है, ऑफ का शॉट प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब तुम्हारा जो क्रॉस एयर है ब्लैक कलर का जो दिख रहा है अभी वो प्रिसाइज होना चाहिए तभी तुम उसको मार सकते हो दूसरे बंदे को। तो ये प्रिसाइज नहीं होगा तो नहीं होगा। और टोस्टर ने भाई इसकी हेल्प करते हुए, और लास्ट बंदा है अपना डोंकी। डोंकी देखते हैं यार क्या मार पाता है, ये नाइफ ना होगा, मुझे लगा कि ये नाइफ करेगा उसको, तो भाई ये बहुत गलत चीज़ होती है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। हैकर से नाइफ होना ना बहुत गुस्सा आता है।
और हमारे सस्पेक्ट ने भी भाई बाय कर ली है गेगन, क्योंकि वाई नॉट यार, वो 13-1 से जीत रहे और उसके बाद 7,000 अभी भी ऊपर पड़े हैं, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको। तो अभी हेडशॉट, और हेडशॉट तुम देख रहे हो वो एम कहाँ रख रहा है और उसके बाद वो सीधा उसको हेड पे दे रहा है। बस मेरे को ये देखना रह गया इस गेम में, और कुछ नहीं है मेरे को देखने वाला, एनालाइज करने वाला, सिर्फ ये देखना रह गया कि क्या ये स्पिन बॉट चालू करेगा, क्योंकि ये सब कुछ कर रहा है। बी हॉप इसने कर लिया स्टार्ट, एक बारी बीच में किया बी हॉप भी, और इसने वॉल हैक्स किए, इसके पास एम असिस्टेंस है। देखो एम में क्या होता है कि ना दो टाइप का होता है, एक ना मतलब ट्रिगर कंट्रोल होता है कि कितना ट्रिगर होगा, अगर तो उसने 100% पे रखा होगा तो हर शॉट जो होगा वो हेड शॉट बजेगा, और उसने अगर कम रखा होगा तो कभी कभी नेक शॉट बज जाता है, कभी कभी तुम्हारा दूसरी शॉट में हेड शॉट बजता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब उसने उसने एम कितने पे रखा है। बाकी यार ये गेम तो ये जीत चुके हैं, ये अभी ए एफ के वापस है भाई, क्यों? और वो टीम मुझे लग रहा है मर गई। अरे यार तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे एम असिस्टेंस इसके पास था, मैंने इसको करूँगा, और विजन भी था इसके पास, तो इन दो चीज़ों के लिए रिपोर्ट करूँगा। और यार एक्सटर्नल असिस्टेंस में मुझे पर्सनली मुझे लगा, और बीच में मुझे नहीं भी लगा, बट मैं यार इनसफिशिएंट दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक बार मेरे सामने बी हॉप किया और उसके बाद मेरे को कहीं पे भी बी हॉप दिखा नहीं। और ग्रीफिंग उसने नहीं किया, वो हारने की कोशिश उसने नहीं की, उसने कुछ भी मतलब अपने आप को मारने की कोशिश नहीं की, अपने टीममेट्स को नहीं मारा, तो ग्रीफिंग के लिए मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर सकता। चलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो पे और हम इस केस को करेंगे रिव्यू, तो देखते हैं। और मैप आया है इन्फर्नो कॉम्पिटेटिव। तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कॉम्पिटेटिव में यार इन्फर्नो और मिराज जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कि उसमें हैकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हैकर्स होते हैं, इसलिए वो मतलब दिखता है हमें बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैकर्स हमें दिखते हैं। D2 में सबसे ज़्यादा होते हैं एक्चुअल में कॉम्पिटेटिव में, उसके बाद मिराज एंड इन्फर्नो में होते हैं। तो ये तीनों जो मैप हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैकर मतलब फ्रेंडली बोल सकते हो तुम लोग, हैकर यहाँ पे आना बहुत पसंद करते हैं, और अपना सस्पेक्ट जो है वो भाई बहुत ही फ्रीली जा रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे ये लोग हार रहे हैं, तो मे बी, और ये लैग पर क्या हुआ मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ, बट ओके। सो इनके पास एक बॉट था, और अब हमारे हैकर ने रीज हैक, AKA स्पिन बॉट, AKA घूमते घूमते माँ चोदना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये रेज हैक करके गोल गोल घूमता रहेगा, ये देख रहे हो गोल गोल, पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। तो ये अब क्या होगा यार, रेज हैक में हमें पता है, रेज हैक बोलो इसको तुम, स्पिन बॉट बोलो, हमें पता है कि ये क्या करेगा, ये हर बंदे को हेडशॉट देगा और दूसरे बंदों के पास कोई चारा नहीं है इससे बचने का। तो मुझे पर्सनली भाई मुझे ना मतलब अच्छा लगता है कि जब मेरे पास ऐसा केस आता है ना, बट मेरे को गुस्सा पता कब आता है कि जब मैं उसको देखता रहता हूँ ना, क्योंकि मेरी भाई मतलब दर्द होता है यार, ये हो ना गोल गोल घूम कैसे घूम सकता है यार, तुम खेलते खेलते भी कैसे घूम सकते हो ऐसे, मतलब बहुत अजीब है ये चीज़। और हैकर का पैटर्न चेक करना है इसमें, क्योंकि पैटर्न ही होता है जो पता लगता है कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, और हमें उसी चीज़ से बचना होता है, या मतलब उसी चीज़ को नहीं रिपीट करना होता। तो ओके, सो यहाँ पे हैकर क्या कर रहा है, यहाँ पे हैकर है कि वो बार बार मरने की कोशिश कर रहा है स्टार्टिंग में, और मरने के बाद वो जा रहा है बॉट ले रहा है और उसके बाद दूसरे बंदों को मार रहा है। तो हमारी सबसे सेफेस्ट बेट यहाँ पे पता क्या होगी, कि हम लोग इस बंदे को ना मारे, किसी और बंदे को मार दें, फर्स्ट किल इसका ना दें, दूसरे बंदे का ले, और फर्स्ट किल लेने के बाद वो जब बॉट किसी और के पास चला जाएगा तो ये हैकर अपना मतलब वो बॉट यूज़ नहीं कर पाएगा। और 3v3 चल रहा है, हैकर डेफिनेटली 2 किल ले गया और तीसरा भी किएगा क्या, ओके नहीं, सो उसने एम उस पर कर लिया था बट वो लगा नहीं पाया उस पर शॉट, क्योंकि वो डिफ्यूज़ कर रहा था। तो फिर वही पैटर्न रिपीट होगा, AF के चले गए, टॉगल ऑन ऑफ किया होगा, पैटर्न वही रिपीट होगा कि ये जाएंगे मरने, और मरने के बाद ये हो जाएंगे बॉट ले लेंगे, बॉट लेने के बाद बस इनकी गेम स्टार्ट। और
तुम टाइम गिनना सिर्फ, अभी 32 हूँ है ना, और मैं तुमसे श्योरिटी में बोल सकता हूँ कि 20 सेकेंड के अंदर अंदर ये हैकर पूरी गेम खत्म कर देगा ये। एक, दो, तीन स्मोक के अंदर चौथा बार। तो तुमने देखा उन चार बंदों को इसने मार दिया सिर्फ 20 सेकेंड के अंदर, और लिटरली ये मतलब छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहा, मैं सही से इसलिए बताऊँ। और ये चीज़ अच्छी लगती है यार कि जब तुम हैक कर रहे हो ना, खुल्लम खुल्ला करो भाई, डरो मत कि भाई तू रिपोर्ट कर रहे, क्या ही हो जाएगा मेरे को, रिपोर्ट करेगा ना, कर दे भाई, रिपोर्ट करके क्या कर लेगा। तो भाई इनको डर नहीं है, और हमें भी अच्छा होता है लगता है यार कि हम लोग इनको ना पता है सीधा वर्डिक्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो क्या कर रहे हैं। तो अभी देखो जैसे इसने मॉली किया अपने, इसके अपने बंदे ने मॉली कर दिया, तो डीप मॉली किया उसने और इसके पास ऑप्शन नहीं था और ये मरा नहीं, तो अभी भी ये जाएगा वहाँ पे दूसरे बंदे के पास, कोशिश करेगा जाने की। और क्या ये नाइफ करेगा, अच्छा नहीं, कोशिश किया इसने बट नहीं कर पाया। और तो आधा इसने अपने आप को खुद मार दिया, और आधा अगर इसने इसके दोस्त ने अब मौली किया तो ये उससे मर जाएगा। तो इसको ये है कि बस मुझे मरना है। तो अब तुम देख सकते हो कि डोंकी जो है हमारा, उसने भाई उस बंदे को मार दिया। अब सस्पेक्ट के पास बॉट है और गेम बॉट इसकी स्टार्ट हो गई। तो अब ये रेज हैक्स वापस से वही, एक हेडशॉट, दूसरा हेडशॉट, गेम खत्म। तो यार मेरी आंखों को भी ना कैंसर हो जाता है जब मैं ये चीज़ देखता हूँ ना, ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना, तो वही गुस्सा भी आता है। और मतलब भाई मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये आंखों का कैंसर है भाई, ये आंखों का कैंसर। आंखों को भाई कितनी गंदी लगती है ना ये चीज़, वो घूमता रहना गोल 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 नीचे देख के, भाई क्या है वो, हट घटिया भाई, छी है। और भाई मैं खून के आंसू रोऊंगा ये देखिए। यहाँ पे डेल्टा ने कोशिश की, जो चीज़ मैं तुम्हें बोल रहा था कि उसको मारो मत, किसी और बंदे को मार तो बॉट को ही होने लगा, डेल्टा ने वो कोशिश की, बट वो डेल्टा इसमें कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो उसको काट देता अगर वो मतलब नहीं आता उसके पास, मतलब उसको नहीं मारता तो। बट उसने कोशिश किया कि वो नहीं मारे उसको, और ये चौथा हेडशॉट गेम खत्म। तो कुछ कर नहीं सकते वो लोग सामने वाले, ज़्यादातर इनके पास अभी कुछ है नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मैं पूरी वीडियो देख नहीं सकता, मेरी आंखों पे कैंसर हो जाएगा। तो मैं यार सोच रहा हूँ ये राउंड एक बार देखता हूँ थोड़ा बहुत, अगर नहीं मैं नहीं देखूँगा यार, मैं चाहे 4x कर रहा हूँ, और 4x क्यों यार, मैं 1000x करूँगा भैंचोद, ये ख़त्म नहीं हुआ ऐसे, मैं 1000x करने लगा हूँ, और इसके बाद मैं की वर्डिक्ट देने लगा हूँ अपना। सो मुझे पता है उसके पास एम असिस्टेंस था, उसके पास विजन असिस्टेंस था, उसके पास एक्सटर्नल सोर्स उसने बी हॉप किया वो भी था, और मुझे पता है वो बी हॉप कर रहा था, बट ग्रीफिंग के लिए हम उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ उसने अपने आप को एक बार मारने की कोशिश की। तो यार इस वाले में हम लोग करते हैं सबमिट इस वर्डिक्ट को, और आज की वीडियो को यार ख़त्म करते हैं यहीं पे। होप करता हूँ यार तुमको वीडियो पसंद आया हो, और अगर यार पसंद आया हो तो यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों को बोलो, अपने घर पे बोलो यार कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम स्टे सेफ यार, कोरोना से फिर से अभी भी बचो भाई, और तब तक के लिए बाय बाय।